Assalamualaikum to all of you and welcome back to my YouTube channel Alvis Sisters. तो आज मैं 5 बजे से जाग रही हूँ और मैं रात में जल्दी सो गई थी और फिर जल्दी मेरी आँख भी खुल गई, फिर मैं सो ही नहीं. मैं काफ़ी कोशिश करी सोने की बट मैं नहीं सो पाई. हाँ क्या 20 सेकेंड. तो फिर आज मैं उठ गई हूँ और जल्दी ही उठ गई हूँ और महिमा भी आ गई हैं. तो सबसे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत नींबू पानी से करेंगे. ये माइक मैं इसलिए लिए हूँ ना, आप लोग बोलते आवाज़ नहीं आती है तेज़, तो इसलिए मैंने आज माइक ले रखा है कि शायद आपको कुछ आवाज़ तेज़ आए. तो अभी मैं दिन की शुरुआत करूँगी नींबू पानी से, क्योंकि वेट लॉस करना है और बर्थडे भी आ रहा है. तो इसलिए मुझे हर चीज़ से तो उल्टी आती है. मुझे शहद नहीं, मैं शहद डाल के नहीं पी सकती, मुझे उल्टी आ जाएगी. मैं गर्म पानी नहीं पी सकती, मुझे उल्टी आ जाती है. हालांकि गुनगुना है बट फिर भी मुझे उल्टी आ जाती है. तो लगातार पीने से उल्टी आती है, इसलिए मैंने पॉज ले लिया है कि थोड़ा पॉज ले लूँ फिर पीती हूँ. अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं ना तो नींबू पानी रेगुलरली पीजिए. थोड़ा बहुत असर आता है बट विदाउट एक्सरसाइज असर नहीं आएगा. एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. तो आज हमने शुरुआत अपनी नींबू पानी से कर ली है और मैंने नींबू पानी ख़त्म कर लिया है. तो अभी आज हम कोई भी मतलब हैवी नाश्ता नहीं बनवा रहे हैं. मतलब जैसे कि मैं हमेशा रोज़ ही का हमारे घर का ये है कि चाहे वो भिंडी की सब्ज़ी हो गई या कोई भी तरह की सब्ज़ी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई. शाहनवाज़ की फेवरेट है आलू की सब्ज़ी. अगर उनको डेली आलू की सब्ज़ी रोज़ बना के दी जाए तो वो डेली खाएँगे. तो आलू की सब्ज़ी हो गई, तुरई हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैं बनवाती हूँ और पराठे बनवाती हूँ. अम्माद हमारे घर में रोटी खाते हैं, बाकी सब पराठे खाते हैं. तो उनकी अलग से 4 रोटी बनती है और बाकी जब वो ऑफिस जाते हैं तो उनकी 3 रोटी उसमें बांध के दी जाती है. तो ये है. अब आज हमने नाश्ते में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बनवाया, नो पराठे एंड ऑल. आज मैंने बॉयल एग, मतलब एग्स बॉयल करवाए हैं और ब्रेड मक्खन मुझे बहुत पसंद है चाय के साथ, तो आज वो करवाया है. और चाय बनवाई है, चाय तो रोज़ बनती है, प्लस दलिया बनवाया है एंड दैट्स इट. कल रात का सालन रखा हुआ है, जिसको सालन वगैरह खाना होगा वो सालन रोटी खा लेगा. छुट्टी कैसी निकल रही है मेरी, है ना? देखो अभी मैंने गौर किया. इसको वो तो कर दो, काली मिर्च नहीं होगी ना. घर में कढ़ी बनती थी तो मम्मी हम लोग को, जब भी हम लोग के घर में कढ़ी बनती थी तो मम्मी हम लोग को हमेशा पहले ही दे देती थी. जैसे ही बन के उतरती थी हम लोग को पहले ही दे देती थी चावल. और क्योंकि जो फौरन बनते ही जो खाया जाता है ना गरम गरम, उसका मज़ा ही अलग होता है. हम अभी भी तैयार होंगे तो मैं सबसे पहले खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से भूखी भी हूँ. सुबह का बस वही जो ब्रेड और चाय पिया था और बाकी तो कुछ खाया नहीं था. महिमा एक गिलास में गरम करके पानी और नींबू दे दो. तो अभी फिर से नींबू पानी पीने जा रहे हैं. आज बहुत ज़्यादा, मतलब आज बहुत ज़्यादा हमारे थकान थी तो हम बस
ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और लेटे हैं और बस सो ही गए हैं। और आज महिमा बुचारी, हमने इससे वादा किया था कि हम चलेंगे अमीनाबाद, तो इससे वादा किया था, ये आ गई तैयार होके, बार बार जगा रही, उठिए उठिए, बट हम नहीं उठना था तो हम नहीं उठे। हम इससे अब इतना बुरा भी लग रहा है कि अब करें क्या, और आँखें खुली नहीं रही, आँखें यूँ खोल रहे हैं फिर बंद हुई जा रही है, बंद हुई जा रही है, एकदम उठने की हिम्मत नहीं थी। तो हमने भैया इनसे कह दिया, हमने कहा चलो हमको माफ़ करो, अब किसी और दिन तुमको घुमा लाएंगे, मगर अभी जो है हम नहीं उठ पाएंगे। 6:30 बजे मैं उठी हूँ शाम को, अभी पूरा मतलब पूरे अच्छे से मैंने नींद ली है, और अब देखिएगा, और अब रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, अब रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, सुबह फिर हैक्टिक हो जाएगा, उठेंगे नाश्ता वाश्ता करवाएंगे, उसमें हैक्टिक हो जाता है, फिर वही दिन में नींद आएगी, तो ये हो जाता है। ये था आज का, आज बहुत कुछ करना था मुझे बट कुछ भी नहीं हो पाया, बहुत कुछ मैं सोचा था आज मैं ये करूँगी वो करूँगी, अमीनाबाद जाऊँगी वहाँ का व्लॉग लूँगी, बट वो भी नहीं हो पाया। अच्छे से नहीं फेंटते हैं उसको बेसन को, तो बहुत ही ज़्यादा पकौड़ी जो होती है उसमें गुट्टे पड़ जाते हैं, अंदर गोल गोल आ जाता है। मगर अगर अच्छे से उसको फेंटेंगे और उसको पानी में भिगो के किसी भी चीज़ में डालेंगे, दही फुल्की बनाएंगे या किसी भी चीज़ में डालेंगे, तो फिर वो बहुत खस्ता बनती है, अंदर कुछ बचता नहीं है, कच्ची नहीं रह जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुबले पतले कि चाहे जो खा ले, चाहे जितना खा ले मोटे नहीं होंगे, और हम लोग की ऐसी बॉडी है कि पानी भी पी ले तो लगने लगता है जैसे पता नहीं क्या। और बताओ मैंने क्या खाया है, बताओ, मैं सो रही थी बस, सुबह मैंने नाश्ता किया था और फिर उसके बाद दिन भर मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सो रही थी, और अब शाम का खाऊँगी वो भी कढ़ी चावल, तो फिर मैंने क्या खाया, मैं कुछ भी नहीं खा तो फिर भी मैं मोटी हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। लोग तो इतना ज़्यादा खाते हैं, तो ज़्यादा खाते हैं कि पूछे नहीं, और वो लोग पतले हैं। अब जोया, अच्छा ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोया, माशाल्लाह जोया हमारी 12th तक मोटी थी, बहुत ज़्यादा भद्दी जिसे कहते हैं, बहुत मोटी थी,
एकदम इनको बहुत शर्म आती थी, वो दौड़ती उड़ती नहीं थी कोई किसी चीज़ में, वो फंक्शन में वो अपना 12th में थोड़ी दुबली थी, बस 10th और 11th, ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा ही वो मोटी थी, इतनी इतना मुंह इतना बड़ा मेरे जैसा, है ना। तभी तो उसके कपड़े मुझे आ जाते थे, मैं कॉलेज जाती थी और मेरे मुझे क्या था कि रोज़ कपड़े बदलना है, रोज़ अलग अलग पहनना है, अब इतना कहाँ है। तो मैं सारा जोया का पहनती थी, सुबह लड़ाइयाँ होती थी कि तुमने फिर मेरा पहन लिया, उतारो अभी। अब मैं कॉलेज के टाइम पे लड़ाई हो रही है सुबह, तो ये सब होता था भैया हम दोनों के बीच में। मगर ये ज़िद्दी उतरवा भी लेती थी कभी कभी, तो चुप देखते थे ये सो रही है तो चुप्पे से पहन के निकल लेते थे, तब तो कुछ कर नहीं सकता इंसान। बिटिया छोटी छोटी डालना, बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है। तो पहले तो हम निकल लेते थे, जैसे ही देखते थे सो रही है, अच्छा फौरन मम्मी कहती थी निकल लो, मम्मी बहुत साथ देती थी, फिर मम्मी को डांट पड़ती थी, अच्छा तुमने क्यों पहन के जाने दिया ये वो। अब हो गई है दुबली, अब तो इनका हमारा कुछ भी नहीं ठसेगा। थोड़ा मोट बड़ी करो और थोड़ा धीमी आज करो, तेल बहुत गर्म है वरना जल जाएगा। चोंच बन जाए कोई दिक्कत नहीं, चोंच तो बनती ही है, वो थोड़ा सा यूँ उठाएंगे तो चोंच बन ही जाएगी। तो ये था कपड़ों का मसला, जोया बहुत मोटी थी, मगर अब पता नहीं है वो अपने आप दुबली हुई है। यार हमें भी अपने आप दुबला होना, हम कब अपने आप दुबले होंगे, वो उसको तो उसने तो कुछ किया भी नहीं, अपने आप दुबली हो गई है वो और हम जो। अच्छा मैं 2016 में मैं दुबली नहीं थी बट ठीक थी, ठीक है। फिर मैंने स्कूल ज्वाइनिंग किया, मतलब मैं स्कूल में पढ़ाने लग गई 2016 में, मैं स्कूल में पढ़ाने लग गई सेंट मैरीज में, मैं पढ़ाती थी जूनियर में। तो जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ पर साड़ी कंपलसरी थी, उस साड़ी से जो है ना मेरा, मतलब रोज़ डेली साड़ी पहनने से मेरा पेट निकल आया था उसमें। सेम यही हाल था जो इस वक्त हाल है, वो मेरा 2016 में सेम हाल था। भैया हमने एक साल जॉब करी, और एक साल जॉब करने के बाद मैंने छोड़ दिया, भैया हमने कहा हमसे नहीं हो पाएगा। मेरे उस वक्त पथरी भी हो गई थी, तो पथरी में फिर स्टोन हो गया था, बहुत तकलीफ़ होती थी, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बहुत तकलीफ़ दे चीज़ है कि ये पथरी जो होती है, स्टोन जब हो जाता है तो बहुत तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ अलग ही होती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरी पथरी हो गई तो मैं फिर उसको छोड़ दिया, मैंने वहाँ से लीव ली, फिर लीव लेने के बाद मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। मेरी पथरी भी सही हो गई थी कुछ ही दिनों में, फिर मैंने जिम स्टार्ट किया। N65 मेरा वज़न था और मैंने 55 कर लिया था सिर्फ 3-4 महीने में, मगर अच्छी डाइट करके बढ़िया, मैंने मतलब मुझे खुद अच्छा लग रहा था ट्रांसफॉर्मेशन देख के, सब खानदान वाले भी देख के चौंक गए थे, वाओ अमन दुबली हो गई हो, इतना अच्छा लगता था। अब वो जो 2016 में जो थे ना, वही अब हम दोबारा बन गए हैं, साड़ी पहन के नहीं, पता नहीं कैसे हो सकता है, शादी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके वजह भी इंसान मोटा होता है, ज़रूरी नहीं आप खाने से ही मोटे हो, खाने से कभी कभी मोटा नहीं भी होता है। मैंने अक्सर मोटे लोगों को देखा है कि वो बहुत कम खाते हैं, ठीक है, तो कम खाने के वजह से नहीं होता है, कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी आप मोटे हो जाते हो। तो मे भी मेरा रीज़न हार्मोनल डिसबैलेंस का हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थायराइड नहीं है, मैंने सबसे पहले जाके चेक करवाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा वेट गेन हो रहा है तो थायराइड हो मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे थायराइड नहीं है, मेरे कोई भी चीज़ नहीं है। मैं दुबली हो सकती हूँ बट मैं दुबली हो नहीं रही हूँ, अल्लाह बेहतर जाने क्यों नहीं हो रही हूँ। शाहनवाज़ का कोई फोर्स नहीं है, शाहनवाज़ कहते हैं जैसी तुम हो हमको तुम वैसे ही पसंद हो, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम जाकर वेट लॉस करो, तिुम जाकर जिम करो, ये मेरी खुद की ज़िद है क्योंकि मुझे खुद अच्छा दिखना है, बहुत प्यारा दिखना है। तो इसलिए जब आप कोई भी चीज़ अपने आपका वेट लॉस करते हो तो फिर आप अलग सी कशिश आ जाती है आप में, ज़्यादा नहीं कि आपका मुंह बिल्कुल एकदम चुस जाए नहीं, बट थोड़ा सा फिगर आ जाना चाहिए, जो कि अब मेरा थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो
इसलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जितना हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे, देखते हैं। और बस दैट्स इट। मैं रोज़ आपका जिम नहीं शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि पता नहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी बैटरी लो होती है तो कभी क्या होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ अपडेट। इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेंडी मास्क कैसे बनाएंगे। ये जंजीर यानी ये चेन मुझे मिली है अपने टूटे हुए पर्स से। जो मेरा पर्स था उसमें से ये चेन टूट गई थी, तो मैंने सोचा इसको हम यूज़ करेंगे किसी और चीज़ में। तो ये रहा वो चेन और ये रहा मेरा मास्क, और हम इस मास्क में ये चेन अटैच कर देंगे और देखिएगा कि कैसे अटैच करते हैं। ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें हम अपनी चेन को अटैच करेंगे दोनों तरफ से। तो जैसे ही इसमें हम अटैच करेंगे ये मास्क बहुत ही प्यारा लगने लगेगा। मैं आपको ये करके बताती हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ एंड अभी मुझे कॉल आया है शाहनवाज का, दैट ही इज़ कमिंग। खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ क्या मैं ऐसे ही रहूँ या मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ। मैं हमेशा ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। जो हाउसवाइफ्स होती हैं जब उनके हस्बैंड आते हैं तो उनको तैयार रहना चाहिए, उनको एक फ़्रेश लुक उनका होना चाहिए, ताकि जो आपके हस्बैंड हैं वो जैसे ही आए उनके चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाए आपको देखते हुए। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ। इट्स सो, आई एम सो टायर्ड, लाइक आई हैव डन नथिंग, बट देन ऑल्सो आई एम टायर्ड। आई डोंट नो वाई, बिकॉज आई ऑलवेज फील टायर्ड। सो क्या करूँ, क्या करूँ। कढ़ी खाई है, ज़ुबान भी पीली हो गई। सो चलो देखते हैं थोड़ी देर। अभी 12:30 बजे तक आएंगे, 10:30 बज रहा है और देखते हैं 11-12 बजे तक तैयार हो जाएंगे। वैसे मुझे ये सुबह अपलोड करना है, सुबह ही अपलोड कर दूंगी मैं ये ब्लॉग, तो इसलिए बाल हमने बांध लिए हैं। तैयार ऐसे होना है कि पता नहीं चलना चाहिए कि हम तैयार हुए हैं तुम्हारे लिए। उनको ये लगना चाहिए कि हम ऐसे ही तैयार रहते हैं, हर वक्त मेंटेन रखते हैं अपने आप को, ठीक है।
हबी टू कम, और जब तक कि फिर हम थोड़ी सी रील्स बना लेते हैं, ठीक है? एंड जब वो आ जाएंगे तो मैं उनको थोड़ा सा दिखाऊंगी, फिर वहीं पर वीडियो एंड हो जाएगा। एंड आई होप, मैं अभी से सबको बाय बोल देती हूँ, आई होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड व्लॉग में क्या अच्छा लगा आपको, इस बार इस वाले व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा वो मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, आप तो कहते आप 12:30 बजे आएंगे। हमने 1 बजे कहा था। आपने 12:30 बजे बोला था। 12:30 से 1 के बीच में आ जाऊँ, 1 बजे हम घर के अंदर आ गए थे। तो 10 मिनट दरवाजे पे खड़े आपकी एक्टिविटीज देख रहे थे। क्या एक्टिविटीज देख रहे थे? एक ही वीडियो 10 बार 15 बार आप बना रही थी जी। चलो बाय बाय कह दो सबको। बाय बाय। और चैनल के लिए क्या बोलना है? सब्सक्राइब दिस चैनल, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराइए, और लाइक बटन जरूर दबाइए। ओके, बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Good night.